अदालत उज़्मा के मुसलसल अहकाम के बावजूद पाकिस्तान रेलवेज ने सिर्फ पीपड़ी मार्शलिंग यार्ड से सिटी स्टेशन तक गाड़ी चलाकर कराची सर्कुलर रेलवे बहाली का दावा तो किया। वजीर रेलवे ने 3 दिसंबर से गाड़ी औरंगी स्टेशन तक ले जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन ना स्टेशन इस काबिल है और ना ही ट्रैक। स्टेशन और ट्रैक की हालत जानते हैं कराची से मोहम्मद मोहसिन की इस रिपोर्ट में। कराची सर्कुलर रेलवे का सबसे बड़ा मंगूपीर स्टेशन, जहां किसी जमाने में मुसाफिर गाड़ियों के साथ माल गाड़ियां भी चलती थीं, जिसके लिए बड़े गोदाम भी तामीर किए गए थे। ये असगर हुसैन हैं, जो 1968 से केसीआर में सफर करते थे। ये बताते हैं उस जमाने में गाड़ियां ज्यादा और किराया कम हुआ करता था, आज तो सिर्फ बातें हैं। 50 पैसा का टिकट लिया, सीधा इधर आए मंगूपीर, सीधा घर चले गए अपने। अब ये तो ये देख रहा हूं तो मसला बहुत बड़ा बना हुआ है। अब ये मसला तो ये पहले ये लेंस आई के रहेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। कोई ये महीने दो महीने का काम नहीं है, कम से कम साल डेढ़ साल दो साल लग जाएंगे इसको सही करने में भी। वजीर रेलवे शेख रशीद के ऐलान के मुताबिक 3 दिसंबर से यहां से केसीआर ट्रेनें गुजरेंगी। टिकट घर समेत प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर काम तो जारी है, लेकिन काम की सुस्त रवि देखकर नहीं लगता कि 3 दिसंबर से केसीआर गाड़ियां यहां सर्विस दे सकेंगी। साइड फैक्ट्री में काम करने वाले कहते हैं इससे बहुत सहूलत होगी। बसों में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा आवाम के। क्यों नहीं चाहता, हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान में आवाम को कोई सहूलत मिले। ना तो बसों के पीछे भागना पड़ेगा, बस स्टेशन से चढ़ के यहाँ पर उतरना होगा। मंगूपीर स्टेशन कभी साइड समेत मेट्रोविल, बल्दिया और मुल्हका आबादियों के हजारों लोगों को मुस्तफीद करता था। देखें अब वो वक्त दोबारा कब आता है। केसीआर बहाली का दावा है और वादा भी और काम भी जारी है, लेकिन शहरी कहते हैं दिल्ली दूरस्थ। कैमरामैन राणा उबैद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची।